समुद्री दुनिया के 10 अजूबे। नंबर 10, इलेक्ट्रिक ईल। इसका नाम भले ही इलेक्ट्रिक ईल हो, लेकिन असल में ये मछली ईल नहीं बल्कि नाइपफिश नस्ल की है। अपने शरीर को ये 600 वोल्ट तक का बिजली का झटका दे सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये अपनी हाई वोल्टेज ऊर्जा का इस्तेमाल एक ट्रैकिंग डिवाइस के तौर पर भी करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चमगादड़ का इको लोकेशन फॉर्मूला। नंबर 9, बैंडेड आर्चर फिश। खारे पानी में रहने वाली ये मछली अपना शिकार पकड़ने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाती है। बैंडेड आर्चर फिश पानी की सतह पर आकर वहां से हवा में कीड़ों पर निशाना साधती है। इसके लिए वो अपने मुंह से पानी की एक फुहार हवा में फेंकती है और कीड़े उसमें फंसकर नीचे आ जाते हैं। बड़ी मछली तो करीब 3 मीटर दूर स्थित कीड़े को भी निशाना बना लेती है। नंबर 8, स्टार गेजर्स। ये मछली खुद को बोलू में धंसा लेती है और फिर किसी शिकार के अपने पास से गुजरने का इंतजार करती है। जैसे ही शिकार करीब से निकलता है, वो उछलकर उसे अपना भोजन बना लेती है। इसकी आंखें और मुंह और मछलियों की तरह बगल में नहीं बल्कि सामने की ओर होते हैं। स्टार गेजर्स मछलियाँ जहरीली भी होती है। नंबर 7, स्टोन फिश। जहरीली और छुपने में उस्ताद, स्टोन फिश में ये दोनों गुण है। ये लगती भी एक पत्थर जैसी है और इसके ऊपर शैवाल उग जाते हैं। इसको छूते ही इतने सख्त सुई जैसे कांटे चुभते हैं जो कि जहर बुझे होते हैं। ये दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। नंबर 6, पफर फिश। इस मछली का पेट इतना लचीला होता है कि डर लगने पर ये अपने पेट में खूब सारा पानी भर के अपना आकार काफी बड़ा कर लेती है। ये टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का एक बेहद खतरनाक जहर पैदा करती है, जिससे इंसान मर सकता है। जापान में यही पफर फिश बड़े चाव से खाई जाती है। जाहिर है, इन्हें पकाकर खाने योग्य बनाना भी एक कला है। नंबर 5, एंगल फिश। ये मछली अपने शिकार को सिर के ऊपर उगे इलिसियन नाम की संरचना से आकर्षित करती है। इसे मछली का फिशिंग रॉड भी कहा जाता है। इस रॉड के सिरे जगमगाते हैं, जिससे उत्सुकतावश शिकार इनकी ओर खींचा चला आता है और एंगल फिश का भोजन बन जाता है। ये मछली पूरी दुनिया में पाई जाती है, यहाँ तक कि गहरे सागरों में भी। नंबर 4, वाइपर फिश। ये बेहद खतरनाक दिखने वाली मछली गहरे सागरों में पाई जाती है। उच्च दबाव, अंधेरे और बहुत कम भोजन पर जीवित रहने वाली ये मछली मुश्किल वातावरण के लिए खास तौर पर ढली होती है। अगर कोई शिकार वाइपर फिश के पास से गुजरता है तो इसके बड़े मुंह और तीखे दांतों से बचने की कम ही संभावना होती है। नंबर 3, सी हॉर्स। इतना सुंदर परिकथा के किरदार सा दिखने वाला सी हॉर्स दुनिया की उन कुछ जीव प्रजातियों में से एक है जो सीधे खड़े तैरते हैं। जाहिर है, ऐसे ऊर्ध्वाधर तैरने से इनके शरीर पर खूब गतिरोधक लगता है, जिसके कारण ये बहुत तेज नहीं तैर पाते। सीहॉर्स की एक और विशेषता नर के पेट की वो थैली है जिसमें वो निषेचित अंडे लेकर घूमता है और बच्चे को जन्म भी देता है। नंबर 2, मड स्कीपर। इस मछली के बारे में कहा जाता है कि ये निर्णय नहीं कर पाती कि उसे पानी में रहना ज्यादा पसंद है या धरती पर। इसीलिए ये ऐसे समुद्री इलाकों में रहती है जहाँ ज्वार के समय पानी हो और भाटा के समय सूखा। मेंढक जैसी एम्फीबियन प्रजाति की ही तरह ये भी अपनी त्वचा से सांस ले सकती है। नंबर 1, हैमरहेड शार्क। इस शार्क जैसी सिर वाली शार्क से अजीब नजारा क्या होगा। रिसर्चर्स मानते हैं कि इसका चपटा दोनों तरफ फैला हुआ सिर और उसके सिरों पर स्थित इसकी आंखें शार्क के दृश्य क्षेत्र को बढ़ा देती है। इससे वो ज्यादा बड़े क्षेत्र को आसानी से देख पाता है और आसानी से शिकार भी कर पाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।